वेलकम टू प्रो टिप्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कल्पना हरण जी हैं चेन्नई से हमारे साथ। कल्पना जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार, जी मैंने प्रकाश पाइप लिमिटेड लिया है 800 शेयर। तो मुझे उसको होल्ड करना चाहिए कि सरवेंद्र जी, प्रकाश पाइप्स और इन्होंने जिस प्राइस पे लिया वहां से तो अभी फायदे में है, थोड़ा सा ही है, लेकिन क्या एंट्री लेवल इनका ठीक है? और अगर ठीक है तो कहां तक इनको होल्ड करना चाहिए? देखिए, यहाँ पे मैं इनको बताऊंगा कि आई थिंक वापस मुझे अभी ये ट्रेडिंग स्टॉक तो लग नहीं रहा है इसको लेके जो इन्होंने रखा है, तो आई थिंक इसको 3 से 6 महीने रखें। फिलहाल सेटअप्स अच्छे लग रहे हैं, अपने लंबी अवधि के सपोर्ट्स के आसपास स्टॉक था और वहां पे उसने अच्छा सपोर्ट लिया है 3-4 बार। तो एज लॉन्ग एज स्टॉक 148 के ऊपर टिका हुआ है और उसके नीचे बंद नहीं कर रहा है, तब तक मेरा थॉट ये है कि आपको एक बार ऊपर में 175-180 के लेवल आते हुए दिखेंगे। तो मेरे हिसाब से 148 के नीचे एक स्टॉप लॉस रखें और ट्रेड में बने रहें। 148 के नीचे एक स्टॉप लॉस रखें और इसमें बने रहें। एक बहुत जल्दी से एक सवाल ले लेता हूं मैं ट्विटर पर आई है, एनएलसी इंडस्ट्रीज 1,069 के भाव पे क्या करना चाहिए? सर आई थिंक यहां पे मुझे लगता है कि एक 5-7% का एक प्रॉबल अपसाइड बाकी है, बट आई थिंक ब्रॉडली मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स को बहुत ज्यादा यहां बेहतर नहीं है। तो बेहतर निकल, लास्ट का एक 5-7% यहां पे बाकी लग रहा है मुझे। तो बेटर है निकल लें फिर ये? हाँ, मेरे हिसाब से तो निकल ले, अगर लास्ट का 5-7% छोड़ सकते हैं तो डेफिनेटली यस निकल सकते हैं। अरे उसमें रिस्क भी तो है 5-7% में। तो जी बिल्कुल। तो नितिन भाई, इसमें से एग्जिट ले लीजिए, ज्यादा बेटर है, अभी आपको थोड़ा फायदा भी है इसमें। चलिए सरवेंद, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे बहुत सारे दर्शकों की मदद करने के लिए। लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपको रोज की तरह हमेशा फिर याद दिलाऊंगा कि CNBC आवाज और NSE की इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स की जो मुहिम है उसके तहत हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप जब भी कोई डिसीजन लें पैसे लेकर के तो बहुत सोच समझ के लें। जो लोग गारंटीड टिप्स या एश्योर्ड रिटर्न वाले कुछ ऐसे प्रोडक्ट बताते हैं या आपको दावा करते हैं, तो ऐसे लोगों या संस्थाओं या कंपनियों से सावधान रहें, दूर रहें, क्योंकि गारंटी देने वाले जो ईमेल SMS वगैरह आते हैं ना, इनके चक्कर में आप मत पड़िए, क्योंकि आपकी मेहनत का पैसा है और आपको ही इसकी सुरक्षा करनी है। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही, आप कहीं जाइएगा मत, ब्रेक के तुरंत बाद होगा खिलाड़ी नंबर 1।